अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आपको सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज तीसरा रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोज़ा पूरा हो चुका है। कल हम लोग मतलब चौथा रोज़ा शुरू हो जाएगा। देखते देखते तीन रमज़ान ख़त्म हो गए और पता ही नहीं चला। और कल पहला जुमा भी रहेगा रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी थी पर्दे के बारे में। पर्दा अपने मुस्लिम माशरे में आजकल थोड़ा सा बहुत कम हो गया है। हालांकि लेडीज़ से नकाब उड़ती हैं, सब कुछ उड़ती हैं, लेकिन कुछ उससे मसला हल नहीं, मतलब सही नहीं है मामला। फिटिंगदार नकाब ओढ़ना, फैशनदार डिज़ाइनर एक से एक डिज़ाइनदार नकाब ओढ़ना, तो ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। पर्दे का मतलब ही अलग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि उनकी बेटी हज़रत बीवी फातिमा, खातून जन्नत यानी कि औरतों की सरदार जन्नत में, और अली शेर खुदा की बीवी और इमाम हसन हुसैन की वालदा, सोचिए उनका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है हज़रत बीवी फातिमा का, कि उनकी हमें अगर कनीज़ बनना है, ख़ास करके हमारी लेडीज़ें माँ बहनों को, तो ये सोचना चाहिए पर्दे के बारे में। औरतों को पर्दा बहुत सख्ती से कहा गया है। हालांकि एक पर्दा मर्दों को भी है कि किसी भी गैर और लेडीज़ों के सामने मत आएं, और इसी तरह से औरतों को भी है। तो लेडीज़ें आज करके जैसे कि रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, खूब शॉपिंग वॉपिंग होती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का क्या बोलते हैं ख्याल रखें और ख़रीदारी भी करें, सब कुछ करें, लेकिन थोड़ा पर्दे के दायरे में अगर करेंगे तो कितनी बेहतर, कितनी अच्छी बात होगी ये। क्योंकि हर पल आप चाहें तो नेकी कमाएं, हर पल आप चाहें तो गुनाह कमाएं। किसी भी गैर महरम ने आपने आपको अगर देख लिया तो वो तो गुनहगार होगा, लेकिन उससे बड़ी गुनहगार वो लेडीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो गुनाह उसने देखा नजर पड़ी है, धोखे से हटा लिया तो वो बच जाएगा। लेकिन ख़ास करके हमारी माँ बहनों को सोचना चाहिए, जब हम घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा ढंग से मतलब बन के निकलें। और नकाब का तो मामला सर ये है कि पूरा कवर हो जाना चाहिए और बॉडी के कोई पार्ट्स दिखने नहीं चाहिए, ये होता है नकाब। लेकिन आजकल नकाब जो आजकल की लेडीज़ें हमारी माँ बहनें ओढ़ती हैं वो एकदम फिटिंगदार, तो नकाब ओढ़ने से मतलब क्या रहा, आप खुद सोचिए ये बात का। हुक्म तो ये है पर्दे का, हर उस शख्स से आप पर्दा करें जिससे आप मतलब क्या बोलते हैं शादी हो सकती है। जैसे कि अपने बेटे से, अपने बाप से, अपने भाई से पर्दा नहीं है, क्योंकि वो आपके क्या बोलते हैं घर के ही मेंबर है, खून का रिश्ता है उनसे। बाकी और भी जो गैर महरम हैं उनके सामने कोशिश करें पर्दे से आएँ, एहतमाम करें। अक्सर अच्छा लोग कहते हैं कि पर्दा तो आँख का होता है। अब आप खुद बताइए कि कौन आदमी किस नज़र से आपको देख रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, है कि नहीं बात, ये बात सही बताइए। तो अपने कोशिश करिए पर्दे में रहने के लिए, और मार्केट भी करें, सब कुछ करें, ख़रीदारी करें, शॉपिंग करें, सब कुछ करें, लेकिन थोड़ा तरीके से करें। आप खुद बताइए बीवी फातिमा की कनीज कैसे बनेंगी आप, तभी बनेंगी जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगी। उनके बताए मतलब अल्लाह ताला ने जो भी फरमाया है कि अल्लाह की बात माने, अल्लाह के रसूल की माने, तो यही चीज़ है कि अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के रसूल की इताअत करे। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है वो वही सच है, बाकी कुछ भी सच नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखें पर्दे का, क्योंकि पर्दा बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके आजकल थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बेहयाई हो गई है हर चीज़ में। खुलेआम सब ऐसे ही मतलब घूमती हैं आजकल की लेडीज़ें, ये भी नहीं सोचती हैं कि मतलब हम मुसलमान हैं। मुसलमानों को बहुत मतलब इजाज़त नहीं दी गई इस तरह से कि आप इस तरह से खुले में घूमें फिरें, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपने तरीके से पर्दे के दायरे में रह के। इसीलिए नकाब बनाया गया है। नकाब का मतलब ये नहीं है कि बस डिज़ाइनदार फैशनदार या फिटिंग का नकाब पहन लिया, ये तो नहीं है। हुक्म है सिर्फ पर्दे का। पर्दे का मतलब इस तरह के कपड़े पहने, एकदम ढीले ढाले, इससे आपके बॉडी पार्ट्स नज़र नहीं आना चाहिए। ये भी नहीं पता चलना ही है कि लेडीज़ काली है कि गोरी है, मोटी है कि एकदम दुबली है, कुछ नहीं। इस तरह से कपड़े एकदम ढीले ढाले लूज पहनने चाहिए, यही है तरीका सही।
और जब घर से बाहर निकलें तो नज़रों को नीची करके निकलें, यह बेहतर तरीका है। इधर उधर चक्कर मकर देखना, आजकल मोबाइलों का दौर है, जिसको देखो फ़ोन पे लगा रहता है, रोडों पे चल के लेडीज़ें बात करती हैं, बाई चांस कोई ज़रूरी फ़ोन आ जाए तो उठाए, नहीं तो क्या ज़रूरत है राह चलते बात करने की इस तरह से। तो ये कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको खूब शेयर करें, शेयर ज़रूर किया करिए। जैसे मैंने आज कुछ सीखा तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, अब आप लोगों को ये बात अच्छी लगी तो आप भी उसको शेयर करें, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करके बताया भी करिए कि अगर मेरी कोई बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, कुछ गलत लगे तब भी कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसमें सुधार करूँ। और बस यही बात करनी थी आपसे, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन भी दबाया करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंशाल्लाह मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैर से हूँ। रमज़ान शरीफ चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आज पहला रोज़ा मुकम्मल हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम लोग कल मतलब आज रात की दूसरी सहरी करेंगे, दूसरे रमज़ान दूसरे रोज़े की। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जल्दी करते हैं हर काम में, जैसे कि नमाज़ पढ़ने में जल्दी करते हैं, कहीं हमें जाना होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस वक्त को हम बचाना चाहते हैं उस वक्त का मालिक अल्लाह है। अल्लाह बेहतर जानता है हमारे बारे में, और हमें नमाज़ पढ़ने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, किसी भी काम में जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दी काम शैतान का होता है, ये हमारे अल्लाह का कहना है। नमाज़ पढ़ें एकदम दिल से, एकदम आराम से, और नमाज़ के बाद दुआ ज़रूर मांगा करें, दुआ की बहुत फजीलत है। दुआ इसलिए मांगा करें क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है, अल्लाह ताला तो बैठा ही है देने के लिए, अल्लाह ताला तो कहता ही है कि मुझसे मांगे मेरा बंदा, मैं देने के लिए ही बैठा हूँ। रो रो के अल्लाह से दुआ मांगे, रो रो के अल्लाह से दुआ मांगे, और इस पाक मुबारक महीने की बरकतों की फजीलतों की तो बारे में कोई मिसाल ही नहीं। हम उलमा फरमाते हैं बेपनाह बरकतें, बेपनाह फजीलतें हैं, और रो असर और मगरिब के बीच की जो दुआ होती है वो आप लोग ज़रूर मांगें। रोज़ा खोलने से थोड़ा देर पहले 10 दरखान सजा लें, उसके बाद बैठ के सुकून से दुआ मांगे। तो जब दुआ बंदा मांगता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता, देखिए टाइम हो रहा है, मतलब बगैर मेरी आवाज़ आए सदा आए कोई बंदा एक लुकमा भी नहीं खाएगा, क्यों? क्योंकि उसको यकीन है कि अल्लाह देख रहा है। तो ये सारी बातें हैं, इस पर अमल ज़रूर किया करें, जो भी अच्छी बातें हैं। और दुआ के से ताल्लुक़ से असर और मगरिब के बीच में दुआ ज़रूर मांगा करें, इंशाल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, और रोज़ा खोलने से थोड़ी देर पहले। और दुआ पूरी उम्मत के लिए मांगें, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए मांगें, अमन सुकून चैन के लिए दुआ मांगें। और रमज़ान शरीफ का भी महीना चल रहा है, इसका ख़ास ख्याल रखें, नमाजों का खूब एहतमाम करें, पांचों वक्त की नमाज़ पाबंदी से जमात के साथ पढ़ें, और अपने घर में भी ताकीद करें, अपने घर वालों को जो भी आपके घर के मेम्बर हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखें, और हर चीज़ पे अमल अच्छी तरीके से करें सुन्नत के मुताबिक। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।